दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुभाष चौहान और आप देख रहे हैं चैनल डी। शहर की सिरसा रोड पर स्थित भाईचारा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन पर आज ट्रक ऑपरेटरों की एक आवश्यक बैठक हुई, जिसमें एलनाबाद, रानिया, कालावाली, डबवाली, सिरसा, श्री जीवन नगर व टीबी के ट्रक ट्रांसपोर्टर्स ने भाग लिया। इस बैठक में ट्रक ट्रांसपोर्ट से जुड़े ट्रक ऑपरेटरों व ड्राइवरों को आ रही परेशानियों के संबंध में चर्चा की गई। इस बैठक को ट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा की हरियाणा पंजाब के प्रदेश प्रभारी मंजीत सिंह सिरसा ने संबोधित किया। सभी ट्रक ट्रांसपोर्टर्स ने ट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा को अपना संपूर्ण सहयोग एवं समर्थन देने की घोषणा की। इस अवसर पर भाईचारा ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की अध्यक्ष कमलेश शर्मा, उपाध्यक्ष ब्रिजलाल लोहिया, सदस्य बलकरण सिंह, मलकीत सिंह, नानक सिंह, सुखदेव सिंह, कुलदीप सिंह, भिंदर सिंह, कालावाली से नरेश सिंह, सिरसा से मंजीत सिंह सिरसा, अनूप सिंह हुंदल, कुंदन लाल वधवा, श्री जीवन नगर से प्रधान महेंद्र सिंह बोगल, उप प्रधान लक्ष्मण सिंह, रणजोत सिंह, सोहन सिंह, गुरदीप सिंह मुंशी, टीबी से रविंद्र धारणिया व रानिया से भी कई ट्रक ऑपरेटर बंधु उपस्थित हुए। बाद में सभी ने मिलकर स्थानीय एसडीएम व मार्केट कमेटी के सचिव को एक ज्ञापन भी सौंपा। इस अवसर पर अपने संबोधन में मंजीत सिंह सिरसा ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर ट्रैक्टर ट्राली को व्यावसायिक रूप से माल ढुलाई के लिए प्रयोग करने का कोई प्रावधान नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी अपने फैसले में स्पष्ट रूप से लिखा है कि बिना किसी परमिट के किसी ट्रैक्टर ट्राली का प्रयोग व्यावसायिक तौर पर माल ढुलाई के लिए नहीं किया जा सकता, परंतु मंडियों में ट्रैक्टर ट्रालियों से सरेआम माल की ढुलाई हो रही है। हालांकि सभी संबंधित कार्यालयों में माननीय उच्च न्यायालय का यह आदेश पहले से ही मौजूद है, लेकिन इस आदेश की जानकारी होने के बावजूद भी आज तक किसी भी अधिकारी ने इन आदेशों को लागू करने की कोशिश नहीं की है और लगातार इन आदेशों की अनदेखी बढ़ती जा रही है। कुछ व्यापारी व उद्योगपति कानून की अवहेलना करते हुए आम पब्लिक की जान को जोखिम में डालकर ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा अपना माल लोड अनलोड करवाते हैं, जिससे ट्रक ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों को काम नहीं मिल रहा और उनके सामने बेरोजगारी के साथ साथ जीवन यापन करने की समस्या भी खड़ी हो गई है। उन्होंने बताया कि देश भर की ट्रक ट्रांसपोर्ट से जुड़ी 70 यूनियनों ने मिलकर ट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी एसोसिएशन का राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा गठित किया है, जिसकी देश के 22 राज्यों में इकाई गठित की जा चुकी है। आगामी 24 सितंबर को ट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का राष्ट्रीय सम्मेलन महाराष्ट्र के नासिक में होगा। इसमें पंजाब हरियाणा से भी सैकड़ों ट्रक ऑपरेटर शामिल होंगे। इस सम्मेलन में ट्रक ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा और देश प्रदेश की सरकारों को इस मामले में ध्यान देने की अपील की जाएगी। यदि सरकार ने उनकी समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया तो देश भर में ट्रक ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोग जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे और राष्ट्रव्यापी हड़ताल भी करेंगे। आज हरियाणा दे विच सिरसा जिला जो कि संयुक्त मोर्चा दी पिछले दिनों तो एक कमेटी गठन की गई सी, उस वास्ते आज सिरसा जिले दे कालावाली, डबवाली, एलनाबाद, जीवन नगर और राजस्थान तो टिब्बी तो भी साडे ओनर ट्रक ऑपरेटर ट्रक ड्राइवर सारे इकट्ठे हो के संयुक्त मोर्चे की कमेटी बनाने जा रहे हैं और जो भी साडिया मंगा ने आने वाली 24 तरीक की मीटिंग है नासिक दे विच उहदे विच असी ये आपदियां मंगा रखांगे और सरकार नूं जगाउण की कोशिश करांगे, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर सब तो ज़्यादा तकलीफ अज ट्रांसपोर्टरों नूं है। जगह जगह से ट्रांसपोर्टरों नूं रोक के लुटिया जा रहा है और बैरियर से रोक के लुटिया जा रहा है, जबकि कागज़ गड्डी दे पूरे होने के कारण असी सरकार तो मंग करते हैं रहना सरकार तो खट्टर साहब तो कि साडी गड्डी जिथों भी लोड़ होंदी है, मान लो एलनाबाद तो गड्डी लोड़ हुई है, इत्थे एक अफसर आके गड्डी नूं चैक करके उस पर पर्ची लावे, एलनाबाद तो हैदराबाद जा रही है तो हैदराबाद तक उन्हें कोई भी ना रोक सके, अगर एक पर्ची लगी होएगी गड्डी चेक होके आई है। दूजा कि GST का सब तो ज़्यादा मार सानू GST की है। अज तुसी कोई गड्डी खरीदन जांदा है जो सरकार ने GST लाई है असी इसका विरोध करते हैं। सब तो ज़्यादा GST जो ट्रक ऑपरेटर दे रहा है, असी एक टायर लैन जाने GST, असी कोई गड्डी का बैरिंग खरीदन जाने GST, गड्डी नवी लैन जाने GST। GST के उत्ते असी गवर्नमेंट को कहने कि ट्रक ऑपरेटर के उत्ते GST बंद की जाए। अज जिस व्यापारी को
जीएसटी नंबर है, जिस ट्रांसपोर्टर को जीएसटी नंबर है, अब जो 40 लाख की गड्डी लैके आता जो उसमें 28 लाख की पैंती है, क्योंकि 28% जीएसटी की छूट है। सिंगल मोटर मोटर मालिक अगर गड्डी लैके आता है तो उन्होंने 40 लाख की गड्डी पैंती है, और एक मोटर मालिक जो 40 लाख की गड्डी लियाएगा, एक मोटर मालिक 28 लाख की गड्डी लियाएगा, उसका किवें मुकाबला कर लेगा। और जीएसटी जिसके कोल है उसनों व्यापारी भी दो रुपये रेट कट दिता है कि तेरी जीएसटी रिफंड होनी है। जो अच्छ 18 रुपये क्विंटल का रेट जीएसटी वाले 16 रुपये क्विंटल का रेट मिलता है, उस दे नाल सिंगल मोटर मालक भी मारिया जा रहा है कि उसमें भी 16 रुपये का ही भाड़ा मिलता, उस 18 रुपये नहीं मिल सकता क्योंकि मार्केट का रेट डाउन हो जाता है। इस करके सरकार तो साड़ी मंग है, संयुक्त मोर्चे की मंग है, अज असी इतों कमेटी बना के नासिक की मीटिंग कमेटी देवे। वैसे तो पूरे हरियाणे का दौरा मैं कर रहा, पिछले दिन कैथल से जीन सी, और मैनू हरियाणा और पंजाब का प्रभारी लाया गया संयुक्त मोर्चे वालों। मैं जल्दी टीम गठित करके देवांगा। असी 22 करोड़ हाँ हिंदुस्तान के अंदर, असी जदों भी चाहिए सरकार बना सकते हैं, सरकार दे सकते हैं, लेकिन असी अड्ड अड्ड संस्था वंडे हुए थे, हुण संयुक्त मोर्चा बना के 22 स्टेटा के 70 संस्था असी इकट्ठे होकर यह आह्वान कर जा रहे हैं। जल्दी असी जंतर मंत्र से प्रदर्शन करांगे, सरकार को जगाने की कोशिश करांगे। अगर सरकार नहीं जागती तो असी हड़ताल करांगे, अपनी गड्डियां रोडों के उत्ते छड़ देंगे, सरकार जिथे मर्जी गड्डियां ला जाए, सानू गड्डियां की लोड़ नहीं है।